अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग करते हैं हम शुरू। आज का जो व्लॉग है हमारा, उसमें हम धो रहे हैं फ्रिज को। फ्रिज हमारी काफी गंदी हो गई है और फ्रिज को हम धोने लगे। माशाल्लाह से हमारी फ्रिज है, ये देखें कितनी गंदी हो गई है। इसको आज धोएंगे और इसमें बर्फ भी बहुत ज्यादा जो है ना जम चुकी है। पहले इसमें जितनी भी बर्फ है वो निकाल के जो है हम कूलर में डाल देंगे और नीचे जितने भी सालन है वो निकाल के बिट्टी को खिला देंगे। हम आपको सिखाएंगे कि फ्रिज को कैसे साफ करना है। क्या हुआ, हो चुका है, ये थोड़ा सा रह गया। बड़ी मुश्किल से हुआ, बड़ी मुश्किल से निकाली है। थोड़ा सा रह गया और नीचे तो बिल्कुल साफ है। नीचे से बना, नीचे चमका दिया बिल्कुल। थोड़ा सा रह गया से, वो यहाँ से जान को थोड़ा सा वो हो गया है। कुछ नहीं हुआ, क्या लगा जान तो कर रहा है फ्रिज साफ तो सही। मैंने भी सोचा मैं भी कुछ कर लूँ और मैं भी अपनी वीडियो बना लूँ जो मैंने बनानी है अपने खाने की। जो मेरा जो खाने का चैनल है ना, तो उसमें मैंने रेसिपी बनानी है, तो वो भी आपने लाल भी जाके देखनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, खूब सारा प्यार देना। और सुमेरा भी आ जाए, उनके कल मेहमान आ जाने, तो वो यहाँ पे आई है कपड़े धोने के। उनके जो लाइट है, लाइट पानी नहीं आया तो उसका हो रही थी मुश्किल। और इधर भी हमारी आज लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी। क्या क्या नहीं बताना था, ये कपड़े धोने आई है। लो वहाँ पे हम दोपहर के लगे हैं और फ्रिज, आपको पता फ्रिज खोल लेते सुबह से लेकर शाम लग जाती है, तो अभी तक भी जो हमारी फ्रिज है ना वो समझ लो कि तकरीबन साफ नहीं है। ये थोड़ी सी बर्फ रह गई है, थोड़ी सी बर्फ रह गई, वो भी निकल थोड़ी सी बर्फ रह गई है, उखड़ नहीं रही, उखड़ नहीं रही। और उल्टा हमारे, मैंने तो निकाली और मुझे चोट लग गई उसके साथ ना। बर्फ आपको पता सख्त होती है, हाँ तो वो उतरती नहीं है, पता नहीं इतनी वो काफी देर से हम लगे हुए हैं, देखा ही आपने। और इसको हमने जंक्शन लगवा ही दिया है ना, जान कहते हैं जंक्शन। आज मैं अपने काके का जंक्शन लगा दिया, गंदे काके का। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा हो गया माशाल्लाह, गंदा काका। अभी इसलिए हमने इठाने बना के रखी, हमने बोला इसका सर बना दे। जो बाजी हमारी काम वाली आती है वो बोलती है सर बनाओ, सुनहरा की तरह सर इसका टेढ़ा नहीं कर दे रहा। मेरा तो किसी ने बनाया नहीं है। क्यों मम्मा ने, मम्मा ने क्यों नहीं बनाया तुम्हारा सर? पता नहीं। कहती चाची मत छुओ मुझे, मत छुओ, मत छुओ मुझे। तो साफ करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना है फ्रिज का स्विच। स्विच निकालने के बाद आपको खुला छोड़ देना है। माहौल खुला होता है तो फिर वो बर्फ पिघल जाती है। और हमारी जो लाइट है उसने बहुत तंग किया, आज लाइट तंग कर रही थी, तो हमने सोचा फिर फ्रिज पे गुस्सा निकाल लें। और ये दूध लस्सी है, बिट्टी जो है पीती नहीं है। बिट्टी के लिए स्पेशल मैं दूध मंगवाता हूँ, लेकिन ये पीती नहीं है। पी जाओ, पी जाओ, मैंने सोचा था इसकी लस्सी बना, पी लो। नहीं मैंने पी लो, पी लो, पी लो। नो, फिर मैं दूध वाले को मना कर देता हूँ, दूध मत दे के जाया करो। जो भी चाट के ये मिठाई लाया था कल, शबाज की शादी है, उस खुशी में मिठाई लाया था। हाँ, परसों उसकी मांगा मिल दी है। तो आज सुमेरा भी आई हुई है। वो तो हमारे ब्लॉग में आती नहीं है, उसको कैमरा मारो तो वो भाग जाती, पता नहीं क्या बात नहीं है। वो बोलती है कि मुझसे मजाक ना किया करो। बोलती नहीं है ना, यही तो बात है, बोलती नहीं है। तब बस मैंने बोला। देखा नहीं बोला ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, बोलती नहीं है। बस ये सब कुछ निकालो जो ये, तुम क्या क्या निकाल रहे हो, मदद कर रहे हैं। ये है हरी मिर्चियाँ और ये हरी रखते हैं हम, वक्त के साथ लाल हो जाते हैं। इसमें जो खराब सब्जी है फेंक दो, जो सही है रख लो। ये क्या है आज गोपाल भाई, ये क्या है? कीमा हा? कीमा कीमा ही है ना? हाँ। और ये क्या है? ये दही है। नहीं दही नहीं, जान ये मैंने वो रखा हुआ मलाई। हाँ। ये बिट्टी मलाई खाएगी तो बस कुछ नहीं है। ये जो है वो उसका अरूज का, अरूज कभी नहीं, कभी उसका नहीं, ये अरूज की है, ये अरूज की है, ये अरूज की नहीं, ये दोनों जो है अरूज की दवाई है। जब बच्चे छोटे होते हैं अगर वो काफी दिन पोटी ना करें तो फिर उनको ये देना पड़ता है। नापा नापा तो अगर बच्चे काफी दिन पोटी ना करें तो उनको फिर ये नापा देना पड़ता है। बात बताओ ना, अपनी बार, अपनी बार इग्नोर कर रहे हैं बात को। आज ठंडी ठंडी बर्फ की चाय खा लो। है गोपाल भाई खोल, ये सब फ्रिज में डाल, उसमें डाल दो ना कूलर में ठंडा।
हाँ ये सब ठंडा जो है फ्रिज में डाल दो। हाँ ये वहाँ पे रखो, वहाँ पे नीचे रखो। जो है नमक डाल रही है क्योंकि नमक से जो है बर्फ जल्दी थोड़ा पिघल जाती है। मैं कह रही थी ऊपर जाना, आप डालो। नहीं बस सही है, छोड़ दो छोड़ दो, 10-15 मिनट में हो जाएगा। नहीं तो आज हम सिखाएंगे आपको फ्रिज साफ करने का आसान तरीका। ये हमने जो है इसका सारा सामान निकाल लिया टोटली, तो ऊपर से ना जो जानो साफ कर रहा हूँ अंदर, ये नीचे का अभी कर देते हैं साफ। ऊपर वाला कोई टाइम लगेगा, वाला जो है ना बाद में करेंगे, अच्छे से साफ करना, अभी बर्फ के गर्मी में टाइम लगेगा। ये पहले भी मैंने और जान ने की थी है ना, तब से की हुई है। हाँ तो तब से की हुई है, तो अभी देखो वैसे तो हम करवाते रहते हैं नीचे वाले। हाँ, थोड़ी बहुत तो साफ होती रहती है लेकिन फुल साफ जो है ना। हाँ जो चीजें निकाल के ये वो है ना ये अब करने लगे, और ये अच्छे से करना हमारी फ्रिज। माशाल्लाह माशाल्लाह 3-4 साल हो गया है ना। एक बार सारा साफ कर दिया है ठीक है सर्फ वाले कपड़े से, अब बिट्टी जो है साफ कर रही है सूखे कपड़े से। देखें कितनी साफ सुथरी हो गई माशाल्लाह। ये थोड़ा बहुत है ना, ये सारा ये करो ना बिट्टी गेट की तरफ से पहले साफ। अंदर है लेकिन ये है कि थोड़ा क्यों ना यहाँ पे फ्रिज तो साफ कर रहा है, साथ साथ में ये डाल रहा है और ठंडी ठंडी लग रही है कमरे में। और ये देखो कितना बड़ा निकला है अभी, वो देखो ऊपर से ये नमक डाला है ना, तो इस वजह से ऐसे निकल रही। मैंने बोला जान थोड़ा वेट कर लो, जबरदस्ती नहीं करो, आराम आराम से कर दे, आराम आराम से करो ना फिर सही रहता है। लापे निकल रहे, लापे निकल रहे हैं बर्फ भरी भरी। ये होता है कि कूलर में नहीं इंसान डाल। हाँ इसके एक दफा ऐसा हुआ है ना, हमने डाली तो वो अम्मी ने पता किसने की थी फिर साहब ना, तो हमने वो कूलर भर दिया तो वो उस गैसा नहीं होती ना, तो पानी का टेस्ट ही ना आए, पूरा कूलर गिराना पड़ा। डालते नहीं। हाँ तब से मुझे पता चला कि ये बर्फ नहीं डालते। हाँ ये बर्फ इस्तेमाल की नहीं, गैस होता है ना जान इसके अंदर, वही ना वही बात है ना जो भी। और ऐसी एक दफा घर के पानी रखे उसकी अलग बात है। एक दफा हमने अपने एसी में भी बर्फ जम जाती थी है ना जा रहे एसी में, एसी में हमारे में हम सो रहे रात को, आवाज आई कड़क 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 बर्फ गिर रही थी, हम डर गए है ना। हाँ मैंने बोला ये क्या हुआ, मैंने जान को लगाया है फ्रिज साफ करने में, और मैं यहाँ पे वो मैं सोच रही हूँ सब्जी बनाए आज हम मजे मजे की सब्जी बनाएंगे, वो भी आपने ब्लॉग हमारा मिस नहीं करना, वो भी हमारा सोनिया और कुछ चैनल का नाम है जानी कुकिंग सोनिया, कुकिंग विद सोनिया नाम है। और जो भी यूके का टिकटॉक अकाउंट बनवाना चाहता है मुझसे 3,000 रुपये दे के बनवा सकता है ठीक है। और हम भी यूके के अकाउंट से डॉलर कमा रहे हैं और हम चाहते हैं आप भी कमाओ, आप भी कमाएं। और उससे ये भी है जो बंदा खुद की वीडियो नहीं बना सकता वो यूट्यूब पे एक चैनल सेलेक्ट कर ले व्लॉगिंग का चाहे किसी भी चीज़ का ठीक है, और उसकी वीडियो डाल उठा के टिकटॉक पे डाले और रनिंग हो जाती है। लाइक करो सब्सक्राइब करो और आप भी इंजॉय करें हम भी इंजॉय करते, खूब सारा मिलके पैसा कमाए, पैसा पैसा आजकल पैसे की कदर है बंदे की कदर यहाँ पे नहीं है, और पैसा कमाना तो फिर अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अब ये बताओ हमने चिपका दी है देख लें, बहुत ही ज्यादा मेहनत हुई है फ्रिज चिपकाने में, अब बिट्टी जो है जालियों वालियों सेट करना शुरू करती है। फ्रिज हमारी 5-4 साल पुरानी है तकरीबन, लेकिन जो है ना जबरदस्त है। छोटी को चुप कराओ अंजलि, लगा दो बच्चे सब कुछ लगा दो। हाँ ये वाली ऊपर की लगा दो सब कुछ, लगा दो लगा दो सर। ये भी हमने वॉश करके रखे हुए हैं, ये साफ नहीं है, साफ नहीं लग रहा एक जैसे नहीं। लास्ट वाला रह गया आज, अरुज भी रो रही है ठीक है, और ये
चलो देखो कैसे नीट एंड क्लीन हो गई है फ्रिज है। चले आज का व्लॉग यहीं तक था, लाइक करिएगा आप लोग, सब लोग भी अपने घर की फ्रिजें साफ कर लो। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।